जिनके ऊपर बहुत सारा खर्च है, लाइबिलिटीज है, इसको सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज तारीख है 2 जून और बिहार में आज से कुछ दुकानों को छूट दी गई है। हालांकि बिहार में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, जिस तरीके से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, लॉकडाउन लगाया गया सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से अब आंकड़े जो हैं काफ़ी कम निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब जब दुकानें खुली हैं, आज से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी दुकानें खुली हैं, टीवी मोबाइल की दुकानें खुली हैं, तो लोगों के चेहरे पर काफ़ी चमक दिख रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के फल मंडी के ठीक आगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानें तो ये रोज़ ही खुले थी, लेकिन अब ये दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी और इनके खुलने का समय होगा सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। वहीं कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी दुकानें जो हैं वो खुली हैं। पटना का आदित्य विज़न भी सुबह से ही खुलकर तैयार है। वहीं अगर हम मौर्य लोक कम्प्लेक्स की बात करें या फिर हरि निवास की बात करें, जहाँ पर काफ़ी सारे मोबाइल से दुकान हैं, तो वो भी सुबह से खुलने शुरू हो चुके हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, ज़रा सुनिए। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं पटना के हरि निवास बिल्डिंग के ठीक आगे, जहाँ पर दुकानें जो हैं वो आज से धीरे धीरे खुलने शुरू हो चुकी हैं। आपको पता है बिहार में जिस तरीके से संक्रमित मरीज़ों का आंकड़ा बढ़ रहा था, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई थी और उसका फ़ायदा भी हुआ। एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन कुछ छूट दी गई है। कुछ जो दुकानदार हैं अहले सुबह पहुँचे हैं अपना दुकान खोलने के लिए, क्या लगता है कितना बड़ा घाटा हुआ है, लेकिन फ़ायदा भी तो हुआ है राज्य को? हाँ, राज्य को फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन दुकानदारों की, मेरे जैसे मध्यम वर्गीय दुकानदारों की, जिनके ऊपर बहुत सारा खर्च है, लाइबिलिटीज है, इसको सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा। हमने 20 साल से टैक्स दिया है, 9% CGST और 9% SGST, सेंट्रल सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो सरकार को सोचना चाहिए था। आज बहुत सारे दुकानों की हालत है कि न उनके पास किराया देने को है, न बिजली बिल देने को है। तो सरकार या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हों, सांसद हों, उन लोगों का कर्तव्य था कि व्यापारियों के साथ मकान मालिक की एक मीटिंग कराते। सरकार को चाहिए था कि बिजली में कुछ रियायत देते, लेकिन बहुत अफसोस और दुख है कि व्यापारियों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। मतलब अभी तक जिस तरीके से हालात हैं, क्या लगता है पहले से तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब कुछ राहत मिलने के आसार हैं? देखिए, राहत की बात है तो व्यवस्था में बहुत गड़बड़ियां हैं, सरकार में भी बहुत गड़बड़ियां हैं। सिर्फ दुकानें बंद कर देना ही सॉल्यूशन नहीं था, दुकानों के साथ साथ उनको व्यवस्था भी सही करनी चाहिए थी कि कैसे मदद किया जाए इस आपदा की स्थिति में। ऐसे सरकार ने थोड़ा सा सही काम किया है, लेकिन व्यापारियों को भी चाहिए था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापार करते। दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, तो व्यवस्था गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। कुछ का मानना है कि सरकार ने क्यों नहीं सही समय पर एक्शन लिया। जहां तक बात आज से दुकान खुलने की है, तो हालांकि कई व्यापारियों का ये मानना है कि आर्थिक गतिविधियाँ आज से फिर से शुरू होंगी, जिससे कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। दुकान खुलने की जो समय है उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है, सुबह 6 बजे से ही दुकानें खुलेंगी, क्या लगता है कुछ राहत मिलेगी आज से? हाँ, आज से कुछ राहत मिलेगी। कुछ राहत मिलेगी? हाँ, पहले तो 10 बजे तक ही था। तो 10 बजे में उतना टाइम नहीं मिलता था सामान बेचने का और सामान लाने का मौका नहीं मिलता था। अब 2-3 घंटा बढ़ जाने से थोड़ा राहत है, थोड़ा राहत मिलेगा। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा समय तक आ सकते हैं, क्योंकि 2 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें या फिर फल सब्जी की दुकानों की बात करें। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उन्हें काफ़ी राहत मिल रही है। हालांकि कुछ दुकानदार ये भी कहते हुए आपको दिख रहे होंगे कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए था, आखिर वो मकान मालिक को किराया कैसे देंगे, EMI कैसे भरेंगे, इन तमाम चीज़ों पर वो अपनी बातों को रख रहे थे। बहरहाल, देखने वाली बात यह है कि आज से दुकानें खुली तो हैं, आर्थिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं आज से थोड़ा फ़ायदा भी होगा, थोड़ी गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो इससे सिस्टम और सरकार पर एक अच्छा असर पड़ेगा। बहरहाल, आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमने तस्वीरें दिखाई हैं सुबह की आपको, कैसे दुकानें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं और लोग क्या कुछ कहने लगे हैं, उससे हम आपको जुड़वा भी रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबर जो है हम आप तक सबसे पहले लाकर आपको उससे अवगत करा सकें। धन्यवाद।